गुलबर्गा शहर के हर गली मोहल्लों में आवारा कुत्तों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लगातार एहतजाज और कंप्लेंट करने के बावजूद कुत्तों का सफाया करने के बजाय कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी कर वापस उसी गली मोहल्लों में लाकर छोड़ दिया जा रहा है। आज गुलबर्गा शहर के वार्ड नंबर 8 और 10 शेख रोजा इलाके में आवारा कुत्तों को पकड़ने का मंजर देखा गया है। इस मौके पर WPI यूथ लीडर शेख फहाद ने बताया ये लगातार आवारा कुत्तों के खिलाफ शिकायत कर रहे थे और आज कॉरपोरेशन के लोग शेख रोजा इलाके में आवारा कुत्तों को पकड़ने आए हैं, पर इनकी शिकायत कुत्तों को हमेशा के लिए यहां से हटाने की थी, पर कॉरपोरेशन के लोग इन कुत्तों की नजबंदी कर वापस यहीं लाकर छोड़ने वाले हैं। शेख फहाद ने गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए नाराजगी जाहिर कर कहा स्टेट गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो हमेशा के लिए कुत्तों का सफाया करें। नजबंदी करने के बाद भी आवारा कुत्ते कई लोगों पर हमला कर रहे हैं। गुलबर्गा शहर में लगातार पिछले कई सालों से आवारा कुत्तों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और स्टेट गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से यह कहा गया है कि अगर कुत्तों से इन्हें इतनी मोहब्बत है तो गौशाला की तरह कुत्ताशाला ओपन कर कुत्तों की परवरिश करें। इस तरह शहर में आवारा कुत्तों को खुला छोड़ने से कई मासूम बच्चे जख्मी हो रहे हैं। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे, गुलबर्गा नॉर्थ MLA कनीस फातिमा और गुलबर्गा साउथ MLA आलमपुर पाटिल की यह जिम्मेदारी है कि वो आवारा कुत्तों के आतंक के खिलाफ एक मजबूत एक्शन प्लान बनाएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम शेख फहाद मुहसिन, WPI यूथ लीडर एंड यूथ वेलफेयर कर्नाटका प्रेसिडेंट। हमारी कोशिशों के बावजूद कॉरपोरेशन के लोग आए हमारे एरिया में शेख रोजा वार्ड नंबर 8 और 10 में आके जो कुत्ते थे उन लोगों को पकड़ लेके गए। हमारा मसला ये है कि जो कुत्तों को वो लोग पकड़ लेके गए 8 दिन के बाद फिर वो नसबंदी करके इधर लाके छोड़ते हैं। हमारा मसला ये नहीं है, हमारा मसला ये है कि तुम उसे लेके उधर ही चले जाओ, इधर मत लो, क्योंकि नसबंदी करने के बाद वो पहले से काफ़ी दुगना हावी हो जाता फिर इंसान पे। आप पहले ही तमाम केसेस देख रहे हैं जो बच्चों पे हावी हो रहे हैं, बुजुर्ग लोगों पे हावी हो रहे हैं, तो ये फिर से केसेस यानी फिर से आपको देखने को मिलेंगे। जबकि गवर्नमेंट की हुकूमत पैर से लेकर सर तक है गुलबर्गे में, तो हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि इन कुत्तों का कुछ अच्छा बंदोबस्त करिए जिससे कि वो वापस इधर ला के ना छोड़े, बस हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।